ये जो समय था हमारे लिए 2 महीना का समय, जब से मैंने चुनाव में जाने का जो मन में आया, और उस दरमियान से जो मैं घूम रही थी अपने साथियों के साथ, और 16 मई का जो काउंटिंग हुआ तब तक का जो अनुभव रहा कि जिंदगी, ये लंबी जिंदगी का एक ऐसा क्षण रहा जो आज तक मैंने जिन चीज़ों को जिस तरीके से देखा था, समझा था, अनुभव किया था, उससे कहीं मैंने, चाहे तो वो विपरीत दिशा में है और या तो पॉजिटिव भी है, तो वो बिल्कुल अलग तरीके का। और ये जो अनुभव मेरा 20 साल 19 साल 94 से भी अगर हम गिनती करें, कोयलकार आंदोलन के समय से अभी तक का जो काम करने का जो तौर तरीका रहा, या तो आंदोलन का या तो लिखने पढ़ने का, उन तमाम ये जो अनुभव थे उससे बिल्कुल अलग थे। ये 20 साल का अनुभव और 2 महीना 2.5 महीना का अनुभव बिल्कुल अलग रहा, और ये अनुभव बिल्कुल कड़वा रहा। आज तक जो चीज़ें ढकी हुई थी वो पूरी तरह से खुली किताब की तरह दिखने लगी हैं। जो आज की तारीख तक में भी तमाम जिस तरह से पॉलिटिक्स होता है, जनता के सवालों को लेके, जनता के अधिकारों को लेके, जनता के तमाम समस्याओं को लेके जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां आज तक जो राजनीति करते आई हैं, और हमेशा सोचते रहते थे कि ये मैंने क्यों सुलप नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो राजनीति चुनाव में जाने के बाद ये 2.5 महीना का जो अनुभव रहा वो बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जनता के वसूलों के लिए और जनता के हक अधिकार की बात जो हम करते हैं, और उसके लिए जो लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, और उसमें और ये जो राजनीति में जमीन और आसमान का अंतर, ये फर्क है। और इसमें तमाम वो जो एक साथ हजार आदमी आ रहे हैं, चाहे आदिवासी सवालों को लेके, दलित सवालों को लेके, मूलवासियों के सवालों को लेके, जल जंगल जमीन का सवाल की बात कर रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो हजार आदमी में से शायद एक आदमी सही मायने में उन सवालों के प्रति कमिटेड है। और हर आदमी जो ये बात करता है कि हम जनता के साथ हैं, वो सही मायने में वो अपने स्वार्थ के लिए सब खड़ा, अपने स्वार्थ के लिए ये राजनीति कर रहा है, ये उनका एक्टिविज्म चल रहा है, या तो सही मायने में जनता के अधिकारों के लिए वो संघर्ष का एक हिस्सा है। वो तमाम चीज़ें लोगों के साथ बात करने के बाद, मैं ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की जो लंबे समय से जो बोलते रहे हैं कि हम आपके साथ संघर्ष के साथ हैं, आपके हर मैंने दुख सुख के साथ हम खड़े हैं, आदिवासियों के दुख सुख के साथ, दलितों के दुख सुख के साथ, या तो महिलाओं के दुख सुख के साथ, युवाओं के दुख सुख के साथ, आपके भाषा संस्कृति की लड़ाई के साथ हम हैं, आपका पर्यावरण के सुरक्षा की जो लड़ाई है उनके साथ हम हैं, ये जो बोलने वाले लोग किस तरह से जब आप जल जंगल जमीन की राजनीति को आप पार्लियामेंट में या तो जहां कानून बनता है वहां पर ले जाने की लड़ाई के लिए आप उतरते हैं मैदान में, जहां कानून बनता है और जहां कानून बना हुआ है वो कानून इम्प्लीमेंट गांव में नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर पहुंचने की तैयारी करते हैं, सवाल और जवाब करने के लिए वहां पहुंचना चाहते हैं, तो किस तरह से लोग आपको रोकता है, और किस तरह से जो आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति भी पूरी तरह से आपका विरोध एक बड़ा दुश्मन के रूप में सामने खड़ा रहता है, ये तो मैंने ये चुनाव में सीखा। और ये हमारे लिए, मुझको लगता है कि नहीं, आज तक अभी मुझको लगता है कि ये अनुभव मुझको पहले लेना चाहिए था कि आज तक, ताकि आज की तारीख में जितने भी लोग हम, मैं पहले ही बोले कि 1000 में आपके इर्द गिर्द हैं, उसमें से सही मायने में आपके मुद्दों के साथ और सही मायने में जो जनता के अधिकारों के साथ कितने खड़े हैं, कम से कम वो चेहरा तो पहले मैंने पता चला चल जाता। तो ये मुझको लगता है कि नहीं, आज की तारीख में मैं सोचती हूँ कि नहीं, जितने भी हम लोग मैंने साइड से जो बदलाव की बात करते हैं,
और इसमें व्यवस्था बदलाव की जो बात करते हैं, उन लोगों को भी मुझको लगता है कि ये जो फुल पॉलिटिक्स हैं, फुल पॉलिटिक्स में एक बार उतर के देखना चाहिए कि ये फुल पॉलिटिक्स में आपके बदलाव के सिद्धांत कहाँ पे होंगे, बदलाव का आपका चर्चा परिचर्चा कहाँ पर होगा, और बदलाव के जो आपका जो ये जो चिंतन कहाँ पर खरा उतर सकता है, वो आपका पूरी तरह से राजनीतिक प्लेटफॉर्म में, और आप फुल टाइम राजनीतिक बदलाव की बात कर, मैंने सिस्टम राजनीति में सिस्टम बदलाव की बात करेंगे, तब हर किसी को मैंने अपनी जो औकात है, अपनी जो भूमिका है और अपनी जो जिम्मेवारी है, वो स्पष्ट समझ में आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, ये जो मेरा अनुभव है, और मेरे लिए एक अनुभव ये भी रहा कि अभी तक हमारे आंदोलन के साथी बोलते रहे कि नहीं हम लोग अभी तक दूसरों को वोट डालते रहे, अब हम लोग अपने के लिए वोट डालेंगे। अब एक चीज़ ये भी सुनते रहे कि कोयलकारों का आंदोलन में रहे, को नज़दीक से मैं देखी उन लोग साथियों के साथ रही, कोयलकारों जनसंगठन के साथ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के आंदोलन को नज़दीक से देखे, और उसके साथ पूरे देश में जो जन आंदोलन चल रहे हैं, जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति और जनता के तमाम हक अधिकार की रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे झोगी झोपड़ी बचाओ का आंदोलन हो या तो मछुआरों का आंदोलन हो, तमाम जो विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तमाम देश के आंदोलनों के बीच में रह के भी एक बात हमेशा लोग बोलते रहते थे कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ लेते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के खिलाफ लड़ाई लड़ लेते हैं, जिंदल और मित्तल को हम लोग शिकस्त दे सकते हैं, तो हमेशा बार बार लोग कहते थे कि लेकिन पॉलिटिक्स में एक विधायक आप लोग खड़ा नहीं कर पाते हैं, ये जो तमाम सवाल उठते थे, मैं नज़दीक से मैंने इस बार देखी कि सही मायने में हर कोई जो मैंने जल जंगल जमीन जो बचाने की बात करते हैं, वो एक के मैंने भय से लोग आते हैं, ये सच बात है कि आप उजड़ रहे हैं इसलिए भय के साथ लोग आते हैं, आप अगर आपका जमीन छिना जाएगा तो कल आप कहाँ होंगे, इस भय से लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पर विशुद्ध रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, वहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं जो सही मायने में वो कॉरपोरेट घराने के साथ खेलने वाले भी होते हैं, जो भय के साथ आपके साथ खड़े होते हैं और सरकार के साथ भी उनके गोद में खेलने वाले लोग होते हैं, और यही कारण है कि उस भीड़ में वो खड़े हो जाते हैं, और उस भीड़ में आप मैंने जो नारा देते हैं कि हम अपने पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे, वो भय के मारे नारा लगाता है, लेकिन सही मायने में जब हम सिस्टम को बदलने की बात करते हैं और हम जो मैंने पीड़ित पक्ष हैं, जो जन आंदोलन के जो साथी हैं, जो सही मायने में पीड़ित हैं, सरकार की गलत नीतियों से पीड़ित हैं, कॉरपोरेट घराने के ये दमन से पीड़ित हैं, और उन उस पीड़ा के खिलाफ हम अपना एक ताकत बनाने के लिए की बात हम करते हैं राजनीति में आके, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग वो अपना स्वार्थ की राजनीति करते हुए मैंने उस भीड़ से छट जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अलग दिखाई देते हैं, जहाँ पर खरीद और फरोख्त की जो राजनीति होती है, और जहाँ पर पैसों की राजनीति होती है, जहाँ पर आपका साम और दंड, साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है, वहाँ पर जाके खड़े हुए मिले। अब ये मैंने मेरा जो ये जो अभी जो रहा ये चुनाव में, ये मुझको बड़ा कड़वा अनुभव दिया। पूरा जो मैं ज़िंदगी इस धरती में आने के बाद जो भी मैंने लाइफ जिया, उसके पूरे लाइफ का ये 2.5 महीना का जो अनुभव मेरा बहुत कड़वा अनुभव रहा, और मैं चाहती हूँ कि ये अनुभव हर व्यक्ति को लेना चाहिए, ताकि ये ज़िंदगी का जो सच है, हकीकत है, उसको समझना चाहिए, तब हमको ये देश बनाने की बात करेंगे, राज बनाने की बात करेंगे, और सिस्टम को तभी हम बदल सकते हैं। भविष्य के बारे में चाहे आप राजनीतिक भविष्य बोलिए या तो सामाजिक आंदोलनों का भविष्य बोलिए, अभी हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर मैं एक तो इतने सालों के बाद 20 सालों के बाद राजनीति में आई, तो अभी मेरे लिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये जो राजनीतिक के बदलाव की बात कर रही हूँ, अपने साथियों को लड़ने भिड़ने सिखाने की बात कर रही हूँ, बिना पैसे से राजनीति करने की का जो ये लोगों को एजुकेट करने की बात कर रही हूँ, वहाँ से भागना मुश्किल है। और दूसरे तरफ ये जो जल जंगल जमीन बचाने की बात है, वो वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, पर्यावरण बचाने का बात है, उसे भाग नहीं सकते हैं। अब हमारे तमाम साथी हैं, उन लोगों के साथ मिलके एक बृहत
पहले भी हम लोग सोचते रहे हैं, लेकिन अभी तो पूरा देश पूरी तरह से और संकट के ये में घेरे में आ गया है कि जिस तरह से तमाम जो लोकतांत्रिक जो ताकतें पूरी तरह से इस धरती से इस देश से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जो जन आंदोलन के आए हुए साथी हैं वो राजनीति में आए हुए हैं, मेधा दीदी जैसे हैं, अभी आपका कोड़नकुलम के जो उदय जी हैं, सोनी सोरी जैसे तमाम जो साथी हैं, उन लोगों को फिर से हम लोगों को मिल बैठ के ये विचार करना चाहिए और अगला हमको मैंने पहले जो जन आंदोलन था उसी जन आंदोलन वो जिस तरह से बड़ा जन आंदोलन था उसी तरह से ये जो जन आंदोलन और राजनीतिक के आंदोलन उसको किस तरह से हम एक नया ताकत दे पाएंगे ताकि जिस सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम तैयारी करेंगे और गांव-गांव जहां भी कमोबेश लोग हमारे साथ रहे हैं, वोट दिया या नहीं दिया, गलती से दिया लोग नहीं समझे हैं वहां पर फिर से समझाने के लिए लौटना है, हर गांव-गांव में गहन तरीके से लोगों के बीच में जाना है, समझना है, लोगों को समझाना है कि कहां पर गलती हुआ है, हमसे गलती हुई है, हमारे साथियों से गलती हुई है, या तो हमारे जो जन संगठन हैं जो आंदोलन करते आए उनसे गलती हुई है, या तो जो बड़े ताकतों के खिलाफ में हम किस तरह से भयभीत हुए और किस तरह से हम मैंने निःशब्द हुए, उन तमाम चीज़ों को ढूंढने के बाद हमको एक नया एक क्या बोलेंगे तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि हम तमाम जो भय है उन भयों को भी दूर करना है, अपनी गलतियों को भी ठीक ठाक करना है और लोगों का जो भ्रम है उसको भी तोड़ते हुए नया ने क्या बोलते हैं, जैसे झारखंड में हम लोग नए उलगुलान की बात करते हैं तो सही मायने में अभी जन आंदोलन और राजनीति की ये जो सिस्टम बदलने की बात है उसका एक नया उलगुलान की ज़रूरत है, उसकी तैयारी करनी है। तो दयामणि बारला क्या पराजित हो गई क्या? नहीं, ये पराजय तो मैं तभी भी नहीं हुई थी, आज से 20 साल पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इन्हीं लोगों के खिलाफ में आज कड़िया मुंडा वहाँ से जीता है, लेकिन जब 35 साल तक वो वहाँ पर एमपी रहा और अभी ये 40वां साल में उन्होंने कदम रखा, तब भी वहाँ पर कोयलकारों की लड़ाई लड़े, मित्तल कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़े, दो डैम के खिलाफ में लड़ाई लड़े, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में चेयर उपाध्यक्ष थे, तब भी इसी देश इसी राज्य में हम लोगों ने कई विस्थापन के खिलाफ जनता के जनता के अधिकारों को लेके लड़ाई लड़ते रहे, तब भी हम लोग ने विजयी रहे, अभी भी हम लोग विजयी रहे, विजयी इसलिए रहे अगर मुझको एक भी वोट मिला है, दो भी वोट मिला है, 11,000 मुझको वोट मिला है तो बिना पैसे के, बिना बंदूक के बल से, बिना साम दाम दंड भेद से मिला है, हमारे विचारों के साथ मिला है, हमारे उसूलों के साथ मिला है और वो सिस्टम को बदलने के लिए मिला है, तो हम पराजय नहीं, हमने जीत हासिल किया है और यही जीत ये तो एक पड़ा एक मैंने एक पहला कदम था और यही आगे जिस तरह से सिद्धू कानू शुरू किए थे वहाँ से आपका भोगनाडीह से लड़ाई, उसके बाद पूरे अंग्रेजों के खिलाफ में पूरे आपका संथाल परगना में और छोटनागपुर में पूरा आग जला, तो हाँ पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं कि वो समय दूर नहीं है जो जिस दिन की हम लोग कल्पना करते हैं कि झारखंड में जो नया झारखंड बनाने की बात और पूरी तरह से यहाँ पर खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है उस सिस्टम को ख़त्म करने का हमारी लड़ाई एक मंजिल तक पहुँचेगी, तो हम हारेंगे तो फिर हमारी झारखंड की धरती हार जाएगी, झारखंड की धरती कभी हारा नहीं, बिरसा मुंडा का लड़ाई लड़े हुए सिद्धू कानू का 150 हो गए लेकिन उनका खून और जो मैंने क्रांतिकारी होता है जो शहीद हुए हैं उनका खून कभी हार नहीं माना और हम लोग उनके वंशज हैं, यहाँ के वारिस हैं, तो हारेंगे कैसे, हम लोग लड़ाई जारी रहेगी